महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के खिचलीपुर में पीलिया खाल के पुल पर स्थित पत्तानेश्वर महादेव 84 महादेवों में 32वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक समय भगवान शिव और माता पार्वती मंदरांचल पर्वत पर एक गुहा में विहार कर रहे थे। उस समय पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने सुंदर कैलाश पर्वत छोड़कर हिंसक पशुओं से युक्त महाकाल वन में क्यों निवास किया? भगवान शिव ने उत्तर दिया, मुझे महाकाल वन और अवंतिकापुरी स्वर्ग से भी अधिक सुखदायी प्रतीत होती है। यहाँ पांचों वस्तुएं शमशान, शक्तिपीठ, तीर्थ क्षेत्र, वन और उशर है। इसी समय वहाँ नारद जी आ गए। शिव जी ने उनसे पूछा, देव ऋषि आप कौन कौन से तीर्थ घूमकर आ रहे हैं और आपको कौन सा नगर अच्छा लगा? तब नारद जी ने कहा, मैंने सब नगरों में सुंदर नगरी महाकाल वन में अवंतिका को देखा है। वहाँ के महल हीरा, नीलमणि, वैदूर्य, चंद्रकांत, नीलमणि से दैदीप्यमान हैं। वहाँ सदैव पुष्पों की बहार रहती है, संगीत गुंजायमान रहता है। वहाँ के स्वामी पत्तनेश्वर हैं, उनकी कृपा से जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग नहीं सताते हैं, इसलिए शिवजी वहाँ निवास करते हैं। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।